गाइस एंड यार वेलकम बैक। आज हमारी वीडियो थोड़ी मतलब सैड वीडियो होने वाली है, सैड न्यूज़ होने वाली है। और वैसे तो मैं ज़्यादातर आपको पॉजिटिव न्यूज़ देता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सैड न्यूज़ है। सो अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि डिज्नी नेटवर्क है वो अब बंद होने वाला है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक डिज्नी नेटवर्क बंद होगा और ये क्या इंडिया में होगा और इंडिया में होगा तो कब तक होगा, मतलब जितने भी सवाल आपके मन में आपको सब सवालों का जवाब। तो अभी तो अगर आपको जानना है तो अभी से कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, मतलब कर दो चैनल को सब्सक्राइब, फ्री में है यार। मतलब मैं हर वीडियो में कहता हूँ तुम लोग करते नहीं हो यार, तुम देख सकते हो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो ताकि उन्हें क्या पता चले। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, आगे वीडियो को आगे देखते रहो, आपको पता चलेगा कि हमने ये वीडियो अपने दोस्तों का क्यों शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को आगे देखते रहो, और मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान सुनना मेरी पूरी बात क्या आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है तो लास्ट तक देखना यार, मतलब यार 5-6 मिनट निकाल के वीडियो को देख लो। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तो बिना किसी तरीके चलो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसा कि को पता होगा कि भी कुछ समय पहले डिलीट हुआ था डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और वैसे वो बाकी कंट्रीज़ की तरह डिज्नी प्लस लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्टार नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन करके अपना एक नया मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि था डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि अब है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। पहले था वो सिर्फ हॉटस्टार था, अब वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। उस पर स्टार नेटवर्क के जितने भी सीरियल वगैरह है वो आते हैं, और मतलब क्रिकेट मैच मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के मैच हैं वो स्टार के आते हैं, और उस पर डिज्नी के भी शो आते हैं, और कुछ कार्टून जो डिज्नी चैनल पर आते हैं जैसे कुछ इंडियन कार्टून और इंडियन डोरेमोन उस पर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्वल, स्टार वॉर्स और भी बहुत सी चीज़ें मतलब बॉलीवुड फिल्म भी उस पर आती हैं, और ये आपको सिर्फ 300 पर ईयर में मिल रहा है। तो इतना सस्ता कोई कैसे मिस कर देगा, मतलब यार नेटफ्लिक्स भी इतना सस्ता नहीं देता, वो भी 200 रुपये आपको पर मंथ चार्ज करते हैं, अमेजोन प्राइम भी 199 पर मंथ चार्ज करता है, और ये सिर्फ 300 पूरे ईयर का दे रहे हैं। तो इसी की वजह से बहुत से लोगों ने ये प्लेटफॉर्म लिया, और मेनली कहूँ तो इसी की वजह से जो डिज्नी है, डिज्नी नेटवर्क है, उसे बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, मतलब उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो हमारा टीवी नेटवर्क है उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हालांकि जानता हूँ मैं से बहुत से लोगों के पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं होगा, हो सकता है बहुत लोगों के पास हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों ने अब वो बाय कर ही लिया है क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन ही होता जा रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हाँ, इसी OTT प्लेटफॉर्म की वजह से डिज्नी जो हमारा डिज्नी TV नेटवर्क है उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो एक टाइम से देखते हो डिज्नी के लिए फ़ायदा भी है लॉस भी है। पहला फ़ायदा उनके पास ये है कि उनका OTT प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है, और दूसरा उनके पास घाटा ये है कि उनका जो TV नेटवर्क है वो बहुत कम होता जा रहा है, और कम नहीं हो जा रहा है, बहुत सी कंट्रीज में डिज्नी चैनल को बंद कर दिया गया है डिज्नी वालों की तरफ से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है TV नेटवर्क के थ्रू। और मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि आजकल सारा काम ऑनलाइन ही होता जा रहा है, इसीलिए कोई भी मतलब TV नहीं देखता है। मतलब सिर्फ डिज्नी चैनल ही नहीं, बहुत से चैनल्स को लॉस हो रहा है, जिसमें डिज्नी चैनल भी है। सब अपने वीडियो के थोड़ा टॉपिक की तरफ आते हैं। सो इसकी वजह से जो है मतलब बहुत सी कंट्रीज में जैसे मैंने बताया कि डिज्नी चैनल जो है बंद होता जा रहा है। और एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, मतलब मेरे दोस्त ने मेरे को दिया था स्क्रीनशॉट, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया में भी अब डिज्नी चैनल बंद होने वाला है। तो अगर आप थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया भी आता है। तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या डिज्नी चैनल इंडिया में भी बैन होने वाला है, मैं इंडिया में भी बंद होने वाला है, बार बार पता नहीं बैन को कह देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए थोड़ी मतलब अच्छी खबर आने वाली है। तो मुझे लगता है कि डिज्नी चैनल इंडिया में बंद हो सकता है, मतलब भले ही साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप करंटली डिज्नी की TRP देखो तो कम से कम वो टॉप 5 में तो रहता ही है, मतलब वो हर चैनल टॉप 5 में तो रहता ही है। और इंडिया में कहते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार मतलब अच्छा है, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग खरीदते हैं। और वैसे भी इतना OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में गया, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, सोनी लिव हो गया, और भी बहुत है यार, मतलब भंडार लगा है OTT प्लेटफॉर्म का इंडिया में। इस वजह से बहुत से लोग जो है मतलब डिज्नी पर हॉटस्टार नहीं खरीदते, और जैसे कि पता होगा इंडिया में अब फ्रॉड वॉजी का काम बहुत चलता है, और सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही मिल जाता है। पर इंडिया के डिज्नी चैनल की हालत बाकी चैनल से अच्छी है, मतलब बाकी कंट्रीज़ के डिज्नी चैनल से अच्छी है बिकॉज ऑफ यंग पॉपुलेशन। सो इसके थोड़े कम परसेंट चांसेस है कि जो डिज्नी चैनल है वो इंडिया में भी बंद हो।
लेकिन अगर डिज्नी चैनल इंडिया में बंद हुआ तो हम एनिमे फैंस के लिए तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वही बेबल्ड पोकेमॉन लाते हैं और डिज्नी वर्ल्ड हॉटस्टार पे मतलब पोकेमॉन वगैरह भी नहीं है, पोकेमॉन रिलेटेड कुछ नहीं है। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि डिज्नी चैनल वाले पोकेमॉन वगैरह को क्यों ऐड नहीं करते अपने OTT प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। सो जैसा कि तो आज की वीडियो में इतना ही था, और ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है कि क्या डिजिटल जो इंडिया में बैंड होगा, मतलब क्या इंडिया में बंद होगा कि नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये वीडियो कैसे लगी वो भी यार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो पर लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, मतलब कर दो चैनल को सब्सक्राइब, कर चले तो मेरा फ्री में है। तो मैं कमाल की वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।